कोई भी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करे तो उसकी इस टेंडेंसी को टॉर्क कहा जाता है। जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को एक सीधी लाइन में हरकत देने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। मैथमेटिकली टॉर्क को मोमेंट आर्म डिस्टेंस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पर डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकली हम टॉर्क को ग्रीक लेटर टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली इसको टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ के तौर पर लिख सकते हैं, जबकि आर डिस्टेंस मोमेंट आर्म डिस्टेंस वेक्टर है और एफ फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक टॉर्क को हम आर एफ साइन थीटा एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आर एफ साइन थीटा टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, जबकि एन कैप टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंट आर्म को समझने के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को समझना जरूरी है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी या फर्जी लाइन है जो फोर्स की डायरेक्शन में खींची जाती है। मोमेंट आर्म फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कहा जाता है। इस डायग्राम में हम टॉर्क आर और एफ के वेक्टर्स की डायरेक्शन को देख सकते हैं। इसमें टॉर्क टॉ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि आर उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां से टॉर्क को मेजर किया जा रहा है और वो पॉइंट जहां से फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को शो करता है। टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा आर और एफ के परपेंडिकुलर होती है। टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से भी फाइंड आउट की जा सकती है। अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करें कि फिंगर्स आर से एफ की डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, तो थंब हमेशा टॉर्क की डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। अगर कोई फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी वजह से पैदा होने वाला टॉर्क पॉजिटिव टॉर्क कहलाएगा। पॉजिटिव टॉर्क हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जैसा कि इस ग्रीन वेक्टर की डायरेक्शन से नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर कोई फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करती है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क नेगेटिव टॉर्क कहलाएगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी। टॉर्क के ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर हैं। जैसा कि टॉर्क आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है, मोमेंट आर्म आर मीटर में मेजर किया जाता है और फोर्स न्यूटन में। दोनों को मल्टीप्लाई करने से टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर हासिल होता है। टॉर्क की एक आम एग्जांपल स्पैनर की मदद से नट को टाइट करना है। अगर हम डाउनवर्ड फोर्स लगाकर नट को टाइट कर रहे हैं तो फोर्स मोमेंट आर्म के साथ एंगल थीटा बना रही है और अंदर की तरफ या इनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि रेड वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट किया जा रहा है।